तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रौनक। वेलकम टू माय चैनल रौनक टेक। तो दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कई लोग जो कि मोबाइल में वीडियो एडिटिंग करते हैं, बेसिकली काइनमास्टर ऐप यूज़ करके वीडियो एडिटिंग करते हैं फ़ोन में, उन लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम फेस करना होता है जो कि स्प्लिट्स द वीडियो, वो पूरा फ्रेम में हर एक जगह पे आपका काम नहीं करता है। जैसे कि आपको कोई भी पोजीशन में, आपको किसी भी पोजीशन में ना आपको कोई कट चाहिए, वहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन आप ऐड करना चाहते हैं या दूसरा कुछ आप ऐड करना चाहते हैं ना, तो उस जगह पे ना आपका कभी कट नहीं लगता है, उसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आज मैं आ चुका हूँ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके। इस वीडियो को आपको देखने के बाद ना आपको पूरा, आप कहीं भी किसी भी वीडियो का कहीं भी आप कट लगा सकते हैं वीडियो में, स्प्लिट कर सकते हैं वीडियो में, एक पूरा फ्रेम को आधा आधा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, दस हिस्सा में बांट सकते हैं आप किसी भी फ्रेम को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आगे वीडियो देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ मेरा एडिटिंग ऐप काइनमास्टर के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, आपका वीडियो के बीच में जो आपको कट चाहिए होता है, जो स्प्लिट चाहिए होता है ना, वो स्प्लिट आपको नहीं हो पाता है काफ़ी सारे वीडियो में। ये जो प्रॉब्लम होता है, देखिए मैं वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, फिर उसको स्प्लिट में जाता हूँ। देखिए स्प्लिट एट प्ले अहेड अभी अवेलेबल नहीं है, अभी थोड़ा यह करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ना स्प्लिट एट प्ले अहेड अवेलेबल है, फिर थोड़ा जाता हूँ ना, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फिर बहुत दूर बाद यहाँ पे आपका अवेलेबल है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं अगर आप इस पार्ट और इस पार्ट का बीच में एक यहाँ पे कट चाहिए होता है तो आप वो नहीं कर पाते हैं। रेट या जो सॉफ्टवेयर है ना, वो आपका वो फ्रेम रेट को सपोर्ट नहीं करता है। आपको ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अभी देखते हैं क्या करता है। तो अभी वीडियो का ना आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, यही जो वीडियो है यो, आपको यहाँ पर जाके वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद वीडियो का फ्रेम रेट थोड़ा चेंज हो चुका है, मगर इसका रेजोल्यूशन है ना वो तो सेम ही है। आप देखिए वीडियो में अभी कहीं भी आप स्प्लिट कर सकते हैं इसको, स्प्लिट एट प्ले अहेड, मतलब इसको आप कहीं भी चाहे कहीं भी आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप बीच में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, आप कहीं भी ऑप्शन में, किसी भी लेंथ में आप जाइए ना, वहाँ पे आप जितना मर्जी उतना कट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ना फिर से आप लोगों को एक आसान भाषा में समझाता हूँ आपको क्या करना है। आपको वो वीडियो लेना है, देखना है कि वहाँ पे कहीं भी आपको कट लग रहा है कि नहीं। अगर कहीं भी ऐसा लगे कि आपको कट नहीं लग रहा है, आपको वहाँ पर कट चाहिए, तो आप सिंपली उसको कोई भी एडिट करे बिना एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब एक्सपोर्ट करने के बाद वो एक्सपोर्ट फाइल को आपको एडिट करना है। वो एक्सपोर्ट फाइल में ना आपको कोई भी रेजोल्यूशन का चेंज नहीं मिलेगा, वो जैसा था वैसा ही सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ उसका फ्रेम रेट में थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, जिसके वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको ईजीली एडिट कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कुछ भी पूछना है ना तो कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।